उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने जो कल निर्णय दिया है, ये सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता की स्वार्थ के कारण, अपने लालच के कारण अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रशासनिक समस्याएं पैदा कर रहे हैं। उनको अपना हित साधना है, उन्हें दिल्ली की चिंता नहीं है। ये शब्द माननीय उच्च न्यायालय ने कहे हैं। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की चर्चा करते समय उन्होंने कहा है कि 2 लाख से ज़्यादा बच्चे जिनको बैग नहीं मिल रहे, किताबें नहीं मिल रही, वर्दी नहीं मिल रही, उस स्थिति को ना देखते हुए आपको कुर्सी का इतना मोह है कि आप जेल के अंदर बैठकर भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। शर्मनाक है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आप भी लगातार इस्तीफे की, लेकिन इस्तीफा अभी तक नहीं दिया है। कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की कि इस्तीफा नहीं दे रहे हैं आप। देखिए, अगर अगर आप बाकी व्यवस्थाएं देखें, कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी आरोप में अगर कहीं पकड़ा जाता है तो 48 घंटे के अंदर उसका इस्तीफा ले लिया जाता है। आप तो सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आपको शर्म आनी चाहिए थी। अब तक आपको इस्तीफा दे के छोड़ देना चाहिए था, लेकिन कुर्सी का मोह, उस बड़े बंगले का मोह जो आपने जनता के पैसे से लूट के बनाया, वो आपको छोड़ने नहीं दे रहा। और कल तो माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के मद में अंधे हो रहे हैं और वो लालच जो है वो दिल्ली में प्रशासनिक संकट पैदा कर रहा है। आम आदमी जी भी किस जिम्मेदार हैं, उनके पास भी अधिकार है, जो अधिकारियों को लेकर जो भी फैसले लेने होते हैं वो कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? एलजी साहब के पास अधिकार होता तो एक मिनट में मुख्यमंत्री को हटा देते, लेकिन जो आम आदमी पार्टी नैतिकता और जो राजनीति में परिवर्तन का नाम लेकर आई थी, उनकी अपनी नैतिकता कहाँ चली गई? जो ये कहते थे कि हम पे आरोप लगेगा हम कुर्सी छोड़ देंगे, वो अरविंद केजरीवाल कहाँ चले गए? वो जो ये कहते थे मेरे किसी भी साथी पे आरोप लगेगा, मनीष कभी तुम पे भी ये वक्त है तो इस्तीफा दे देना, आज अरविंद केजरीवाल को क्या हुआ? ये कुर्सी का मोह और पैसे का लालच इन भ्रष्टाचारियों को कुर्सी छोड़ने नहीं दे रहा।